हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव मार्बल इंटीरियर सॉल्यूशन। आज मैं आपको लेके आया हूँ सेक्टर 19 द्वारका में। सेक्टर 19 द्वारका में मैं आपके पास आपको लेके आया हूँ जैन प्रॉपर्टीज़ पे, जिसको डिज़ाइन किया है वी डिज़ाइन स्टूडियो ने और जिसका मटेरियल आया महादेव मार्बल से। मैं आपको यहाँ के हर एक बाथरूम्स, हर एक रूम्स, हर एक फ्लोरिंग, पार्किंग, स्टेयरकेस, लिफ्ट, हर चीज़ दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, डीलर्स बहुत हैं, बिल्डर्स बहुत हैं, लेकिन किस तरीके से प्रॉपर डिज़ाइनिंग की हेल्प से हम अपने स्पेस को स्पेशियस बना सकते हैं, हम अपने स्पेस को एक नेचुरल ब्यूटी दे सकते हैं, किस मटेरियल को लगा के हम अपने स्पेस को एक बहुत अच्छी एक लुक दे सकते हैं, पैसे कहाँ बचाए जा सकते हैं, कहाँ पैसे लगाने चाहिए, जनरली बिल्डर्स कहाँ पैसे बचाते हैं, कहाँ पे गलतियाँ करते हैं, लेकिन इन्होंने कहाँ पे अपने पैसों को सही से इन्वेस्ट किया, ये सारी चीज़ें आपको पूरी वीडियो में दिखेंगी। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं जैन प्रॉपर्टीज़ की सेक्टर 19 की बहुत अच्छी वीडियो। चलिए, ये है हमारा पार्किंग स्पेस इस बिल्डिंग का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रॉपर पार्किंग में हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है हमारा ग्रेनाइट, फ्लोर के ऊपर ग्रेनाइट लगाया हुआ है। किस क्वालिटी का ग्रेनाइट है आप देख रहे हैं, कहीं पे भी क्रैकनेस या बड़े स्पेसेस को नहीं यूज़ करते हुए प्रॉपर ध्यान रखा गया है कि बड़े साइज़ के पत्थर ना यूज़ हों, जिससे हमारी पार्किंग में जो दिक्कत आती है ग्रेनाइट ब्रेकेज की, वो कहीं नहीं मिलेगी। फिर अपन बात करते हैं टाइल्स की, तो टाइल्स हर एक 4 फुट की हाइट पर टाइल्स को भी लगाया गया है। इस टाइल की हाइट पर लगाने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि गंदी नहीं होगी, सेकेंड एक बड़े अच्छे डिज़ाइनिंग के साथ। ऐसा नहीं कि कोई भी चीप रेट की टाइल्स या कोई लॉट की टाइल्स उठा के एज इट इज़ लगा दी गई हैं, प्रॉपर डिज़ाइनिंग टाइल्स इसके अंदर यूज़ की गई हैं। इस तरह की टाइल्स की सबसे अच्छी ब्यूटी का प्लस पॉइंट सिर्फ यही है कि इनमें जॉइंट्स नज़र नहीं आता। ऐसा लग रहा है कि ये बड़े साइज़ की टाइल लगाई हुई है, लेकिन नहीं, ये लगाई छोटे साइज़ की टाइल हुई है, लेकिन इस डिज़ाइनिंग की वजह से इसकी प्राइसिंग और इसकी वर्थ बढ़ चुकी है। तो हमारी वॉल्स के ऊपर टाइलिंग लगी हुई है प्लस पॉइंट, जो ज़्यादातर बिल्डर्स नहीं लगाते। फ्लोर के ऊपर ग्रेनाइट लगा हुआ है, जो ज़्यादातर बिल्डर्स नहीं करते, सीमेंटेड फ्लोर करते हैं। इस ग्रेनाइट के अलावा हमारे पास ऑप्शन जो है वो टाइल्स का भी है कि हम हैवी ड्यूटी टाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो टाइल्स यूज़ करने या ग्रेनाइट यूज़ करने, ये आपके ऊपर है। तो जितना बड़ा आप स्पेस देख रहे हैं, प्रॉपर यहाँ पे 6 से 7 गाड़ियाँ बड़े आराम से खड़ी हो सकती हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि एक हमारी डैटसन की तो गाड़ी खड़ी हुई है, तो अगर इस गाड़ी की बात करूं, अगर इतनी गाड़ियाँ भी यहाँ पे हैं तो 6-7 गाड़ियाँ तो बड़े प्यार से खड़ी हो सकती हैं यहाँ पे। तो स्पेस अच्छा है पार्किंग के अंदर, लाइटनिंग पूरी है। अब मैं थोड़ा सा अगर मैं अंदर की तरफ बात करूं, तो एक कॉमन वॉशरूम भी यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। इस वॉशरूम का सबसे बड़ा यही है कि अगर कोई बाहर का बंदा या कोई भी अगर कुछ भी इमरजेंसी है, तो कहीं भी पर्सनल यूज़ पे नहीं, आप अलग से ही उसको दे सकते हैं। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ लिफ्ट की तरफ। तो प्रॉपर लिफ्ट दे रखी है यहाँ पे, लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट के बाहर साइड के अंदर ग्रेनाइट से प्रॉपर कवर किया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि टाइल्स यूज़ करी नहीं है, या फिर ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ दिया है इस चीज़ को, प्रॉपर ग्रेनाइट की हेल्प से इसको कवर किया हुआ, जिससे इसकी ब्यूटी अपने आप में ही बढ़ गई है। अब मैं रेलिंग की बात करूं, तो रेलिंग के अंदर प्रॉपर एसएस की रेलिंग दी हुई है। स्टेयरकेस की बात करूं, तो प्रॉपर एक अच्छी अमाउंट का पत्थर लगाया हुआ है, देवड़ा नाम है पत्थर का, पत्थर प्रॉपर ग्रेनाइट लगाया हुआ है इन्होंने। इसकी कॉस्टिंग मोटा मोटा 100 से 110 रुपये के आसपास आती है। तो ग्रेनाइट में भी इन्होंने 100 रुपये से लेके 110 रुपये तक की कॉस्टिंग का पत्थर यूज़ किया हुआ है। तो ज़्यादातर जो बिल्डर्स हैं वो 50-55 रुपये का अमाउंट यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉपर पैसे खर्चे हुए हैं। जैसे हम अपना घर बनाने की सोचते हैं कि जब अपना घर बनाएंगे, ज़मीन से बनाएंगे, तो प्रॉपर हम उसको अच्छे अमाउंट के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ हम इन्वेस्ट करते हैं। तो जैन प्रॉपर्टीज़ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे यही लगा कि हर एक जगह पे कोई कंजूसी नहीं करी हुई, हर एक जगह पे प्रॉपर डिज़ाइनिंग के साथ उसका काम किया हुआ है। आओ मैं आपको लेके चलता हूँ फ्लोर में। तो ये है हमारा फ्लोर, अभी हम खड़े हैं 4th फ्लोर के ऊपर। 3 फ्लोर इसके अंदर बने हुए हैं, 1st फ्लोर इनका सोल्ड आउट हो चुका है, 2nd, 3rd, 4th इनका भी बचा हुआ है। तो स्पेशली आज हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ को क्या लग्जरी बनाता है। सबसे पहले हम इसकी फ्लोर की बात करें, तो हमारे फ्लोर पे लगा हुआ है प्रॉपर इटालियन, इसकी क्वालिटी और फिनिशिंग लाजवाब है, अच्छी क्वालिटी का 300-350 रुपये फुट का प्रॉपर इटालियन लगाया हुआ है। उसके बाद भी हमारी पॉलिशिंग जो है उसके ऊपर प्रॉपर खर्चा किया हुआ है, तभी इस फिनिशिंग को हम फील कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम बात करूं तो ग्रेनाइट
की फ्लोरिंग ना देके या टाइल्स की फ्लोरिंग ना देके प्रॉपर इटालियन की फ्लोरिंग यूज करी हुई है। और ऐसा नहीं कि इटालियन का फ्लोर एक कम रेटो वाला इटालियन को यूज किया हुआ है, प्रॉपर 350-350 रुपए फुट का प्रॉपर इटालियन, उसके बाद अच्छी पॉलिश के ऊपर भी प्रॉपर ध्यान दिया हुआ है। आओ मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी किचन की तरफ। सबसे किचन की काफी ज्यादा मेन होती है, तो किचन में अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारी किचन। किचन में बात करूँ तो पूरी जो टाइलिंग का वर्क है वो मोरक्कन के अंदर किया हुआ है। इन मोरक्कन की जो कॉस्टिंग है वो कहीं ना कहीं आपकी 80-90 रुपीस पर स्क्वायर फिट की टाइल्स आती हैं। अब आप फील कर सकते हैं कि मोरक्कन के साइज को किसी भी मोरक्कन में अगर मैं साइज की बात करूँ तो पता नहीं चल रहा सबसे पहली बात। तो सेकेंड डिजाइनिंग पार्ट की बात करें तो हर एक चीज़ें मर्ज हो रही हैं आपस के अंदर। ग्रेनाइट की बात करूँ तो कोई जेड ब्लैक की या फिर किसी टैन ब्राउन को पत्थर का ना यूज़ करते हुए एक अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट मार्बल यूज़ किया हुआ है। साथ ही साथ मैं बात करूँ तो अच्छी शोकर्स के साथ आपकी कैबिनेट्स को बनाया हुआ है। तो किचन की ओवरऑल की बात करूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो किचन की जो फ्लोरिंग है वो ग्रेनाइट की है, किचन की जो स्लैब है वो अच्छे ग्रेनाइट मटेरियल की है। इसकी कॉस्टिंग आपको 250-300 रुपये पर स्क्वायर फिट आपको मार्केट में मिल जाएगी। टाइलिंग की बात करूँ तो 80-90 रुपये पर स्क्वायर फिट की टाइलिंग को यूज़ किया हुआ है। ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने देखा है कि ग्रेनाइट हम आर ब्लैक या जेड ब्लैक का यूज़ करते हैं, जो कि एक अच्छी ग्रेनाइट है बट कॉमन से ग्रेनाइट है, लेकिन कुछ हटकर दिया हुआ है। टाइलिंग की बात करें तो ऐसे नहीं कि कोई भी टाइल लगा दिया 12:24 या 2:4, मोरक्कन को यूज़ किया हुआ है जिसकी कॉस्टिंग नॉर्मल टाइल से अप्रॉक्सीमेट डबल हो जाती है। तो ये थी हमारी किचन। तो अपन चलते हैं अपने बाथरूम्स की तरफ। सबसे पहले जो बाथरूम है वो हमारा कॉमन बाथरूम। तो भाई साहब ये है बाथरूम, पैसे खर्च होते हैं बाथरूम्स के अंदर। एक एक बाथरूम की जो कॉस्टिंग है वो आपकी 1.5-2 लाख रुपए की तो है ही है, क्योंकि प्रॉपर हाई ग्लोस की 2x4 की वॉल टाइल्स यूज़ करी हुई हैं। हर टाइल्स के बीच के अंदर प्रॉपर एल्युमिनियम की एसएस की प्रॉपर पेंसिल यूज़ करी हुई है 4 फुट की। अगर आप मार्केट की बात करें तो इस एक पेंसिल की कीमत है 150 रुपये, टाइल्स की बात करें तो इसकी टाइल्स की वैल्यू है 60-65 रुपये पर स्क्वायर फिट। तो ऐसा नहीं कि कुछ मतलब पार्किंग में लगा दिया या बाहर की साइड लगा दिया तो हमारे बाथरूम के अंदर कुछ हल्की क्वालिटी यूज़ करी हुई है, प्रॉपर 2x4 की हाई ग्लोस टाइल्स यूज़ करी हुई है। तो हमारे बाथरूम को जो हम लग्जरी हैं, एक तो वो तो टाइल से बना सकते हैं क्योंकि टाइल से एक शोइंग एरिया है। सेकंड हम अपने बाथरूम को जो लग्जरी है ये हम सिपी फिटिंग से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी सिपी फिटिंग्स को। सिपी फिटिंग्स के अंदर इन्होंने कोई लोकल ब्रांड नहीं, जैगुआर का प्रॉपर ब्रांड यूज़ किया हुआ है, जैगुआर की प्रॉपर एसेसरीज यूज़ करी हुई है, सैनिटरी वेयर हिंदवेयर का यूज़ किया हुआ है, प्रॉपर अच्छे ग्रेनाइट या नैनो के साथ प्रॉपर स्लैब बनाई हुई है। नीचे आपको प्रॉपर वैनिटी देखने को मिल जाएगी, तो अच्छी क्वालिटी की वैनिटी। ज़्यादातर अब मैं इस वैनिटी की कॉस्ट या इसी की कॉस्ट की बात कर लूँ तो मोटा मोटा 25,000 रुपये के आसपास की कॉस्टिंग आपका सिर्फ इसी का आ जाता है। टाइल्स की बात कर लूँ तो अगर मैं 60 रुपये के हिसाब से भी बात करूँ तो मोटा मोटा 15,000-20,000 रुपये की टाइलिंग की कॉस्ट आ जाएगी, 10,000-11,000 रुपये की अभी पेंसिल की कॉस्ट आ गई। फिर उसके बाद आपकी सैनिटरी वेयर की बात करूँ तो हिंदवेयर का कंसील टैंक लगाया हुआ है, हिंदवेयर की ही आपकी वॉलंग एक सीमलेस टॉयलेट शीट लगाई हुई है, इसी की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो 25,000-1,000 रुपये की कॉस्टिंग आपकी इसकी आ जाएगी। आइए मैं आपको शावर की तरफ लेके चलता हूँ। शावर के अंदर प्रॉपर इन्होंने फिर जो डाइवर्टर यूज़ किया हुआ है अच्छी क्वालिटी का जैगुआर का डाइवर्टर यूज़ किया हुआ है। शावर कहाँ है? शावर आपका वहाँ है। तो शावर की बात करें तो ऐसा नहीं कि यही डिज़ाइनिंग का पार्ट है कि वॉल के ऊपर शावर ना लेके प्रॉपर अपनी सीलिंग पे ले लें तो जो रेंज शावर वाली फीलिंग है वो प्रॉपर फील होगी। तो ये प्रॉपर बाथरूम की बात करूँ तो इस बाथरूम को बनाने की कॉस्ट जो है वो 1.5 लाख रुपए के आसपास अगर हम जनरली भी बनाते हैं तो वो प्रॉपर आएगी। तो बाथरूम के अंदर भी 1.5 लाख रुपए खर्च किए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ तो इस बिल्डिंग के अंदर 3 बाथरूम्स हैं। ये जो बाथरूम है ये कॉमन बाथरूम है हमारे फ्रंट वाले रूम के साथ। तो प्रॉपर अगर 3 बाथरूम भी हैं इसमें तो 1.5 × 3 मोटा मोटा आपके 4.5 लाख रुपए तो प्रॉपर बाथरूम में यूज़ किए हुए हैं। किचन की बात करूँ तो इस मॉडुलर किचन को अगर हम अपने घर पे भी बनाते हैं तो 2,000 रुपये पर स्क्वायर फिट की मॉडुलर किचन कहीं ना कहीं आपको वो भी फील हो जाती है। तो 2,000 रुपये के हिसाब से भी देखें तो कम से कम 2-1 लाख रुपये तो किचन की सिर्फ बाहर की शाइनिंग या बाहर के वार्डरोब्स और पत्थर के पे यूज़ किया हुआ है। तो 4.5 लाख और 2 लाख तो 6 लाख रुपये तो बाहर बाहर की आइटम्स होगी। अभी इसके अंदर वार्डरोब्स आ गए, आपके गेट्स आ गए, आपकी लाइटनिंग्स आ गई, पीओपी आ गई, ये सभी अभी बाकी है। आओ मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये है हमारा फर्स्ट रूम, इसके साथ हमारा अटैच बाथरूम है। अब आप ये देख, कॉमन बाथरूम जनरली हमें बोलते हैं तो प्रॉपर स्पेस है, अच्छा खासा बेड आ जाएगा यहाँ पे, आपकी वार्डरोब्स प्रॉपर यहाँ पे दी हुई है, टीवी पैनल की यूनिट कंप्लीट दिया हुआ है,
अब बालकनी की बात करें तो एक विंडो भी दी हुई है कि जैसे ही मॉर्निंग में आप उठें तो ऐसा ना हो कि कंप्लीट बंद है, पर्दों को साइड करिए और नेचुरल जो लाइट है उसको फील कर सकते हैं। आइए मैं आपको इसको बाहर लेके चलता हूँ। लो जी, ये आ गई अपनी बालकनी। बालकनी के अंदर देखें तो ऐसा नहीं कि 3 फुट की बालकनी दी हुई है, अच्छे खासी स्पेस में इसके अंदर बालकनी दी हुई है। आप यहाँ पे अपना हैंगिंग झूला लगा सकते हैं, एक कोने के अंदर अपना बालकनी बार बना सकते हैं छोटा सा। बात करें तो प्रॉपर HPL शीट यूज़ करी हुई है वुडन फ्रेम के अंदर। अगर मैं वॉल की बात करूँ तो स्लिम टाइल यूज़ करी हुई है, स्लिम टाइल, ऐसा नहीं कि स्लिम टाइल भी नॉर्मल वाली, ये फुल बॉडी कार्विंग जिसकी कॉस्टिंग जो है वो 70 रुपये पर स्क्वायर फिट आपको होलसेल रेट में मिलती है, और रिटेलिंग के अंदर ये जनरली 80 या 85 रुपये के आसपास मिलती है। तो एलिवेशन के साइड में या बाहर की साइड में ऐसा नहीं कि कोई 40-50 रुपये वाली टाइल यूज़ करी हुई है, अच्छी पैसों वाली टाइलें भी यूज़ करी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी चीज़ में पैसे डालते हैं तो उसकी एक वर्थ निकलती है। तो शाइनिंग की बात करें, प्रॉपर शाइनिंग है। कार्विंग के टाइम की बात करें तो प्रॉपर कार्विंग है। अगर हम बात करें कोई सिंगल टोन के अंदर टाइल नहीं है, यहाँ पे डार्क ग्रे, फुल बॉडी डार्क ग्रे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस फुल बॉडी की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, स्लिम टाइल में प्रॉपर आपका फुल ग्रे, मतलब इनकी कॉस्टिंग आपकी 70 रुपये तो मिनिमम होलसेल प्राइस के हिसाब से प्रॉपर मिलती है। तो प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की टाइल्स यूज़ करी हुई है, डिज़ाइनिंग के हिसाब से यूज़ करे हुए हैं। आपको एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी ग्रिल देखिए। ग्रिल के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रिल इसके अंदर, नॉर्मली अपन ने ग्लास की ग्रिल लगा दी है वैसे ग्रिल लगा दिया। प्रॉपर डिज़ाइनिंग को ध्यान में रखते हुए, प्रॉपर इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, प्रॉपर कलर थीम को ध्यान में रखते हुए इसको प्रॉपर किया हुआ है। हर एक रूम के अंदर पहले ही AC की वायरिंग दी हुई है। तो यही फायदा है हमारी कहीं ना कहीं डिज़ाइनिंग पार्ट पे, कि हमें पहले ही पता होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है, चाहे हम यहाँ पे शिफ्ट हों तो हमें अलग से कुछ करवाने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं आपको एक बार सीलिंग की तरफ लेके चलता हूँ। सीलिंग में आपको यहाँ पे ग्रे नज़र आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ की बात करूँ तो प्रॉपर वुडन का काफ़ी अच्छा फ्रेम HPL शीट के साथ, जो प्रॉपर फ्रंट की डिज़ाइनिंग को मैच करता है, लाइटनिंग के साथ प्रॉपर मैच करता है। तो ये है अपनी बालकनी। अब कॉस्टिंग की बात करें तो ऐसा नहीं कि कहीं कॉस्टिंग बचाई हुई है कि नॉर्मल पेंट कर दिया या HPL शीट को नहीं यूज़ किया हुआ, हर एक डिज़ाइनिंग पार्ट को देखते हुए पैसे खर्च हुए हैं और अच्छी क्वालिटी की टाइल्स भी लगाई हुई हैं। ये था हमारा बालकनी का पार्ट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सेकेंड रूम की तरफ, जो कि हमारा बालकनी के साथ ही अटैच है। तो हमारे इस बालकनी के अंदर 2 रूम्स अटैच हैं। आइए मैं लेके चलता हूँ सेकेंड रूम की तरफ। तो ये है हमारा सेकेंड रूम। इस रूम के अंदर भी सेम साइज़ का आपको वो रूम मिलता है। इसके अंदर आपको टॉयलेट नहीं मिलता, 4 BHK के अंदर 3 टॉयलेट्स कहीं ना कहीं यहाँ बनाए हुए हैं। तो इस वाले रूम में टॉयलेट अटैच नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमारी जो वार्डरोब है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं साइड में दे रखी है। आपकी प्रॉपर लाइटनिंग का प्रोविज़न यहाँ दे रखा है, यहाँ पे आपको बिल्डिंग दे रखी है तो यहाँ लाइटनिंग आएगी। शायद यहाँ पे वर्क बचा हुआ है थोड़ा सा, तो जैसे ही आप गेट खोलेंगे ये लाइट चल जाएगी, जैसे गेट बंद करेंगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी। तो हाईटेक भी यूज़ किया हुआ है। सेकंड में बात करूं इसके स्पेस की तो सेम साइज़ का रूम है, प्रॉपर आपके इटालियन लगाया हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूं थर्ड रूम की तरफ, जो कि हमारा मास्टर रूम होने वाला है, मास्टर रूम बेडरूम होने वाला है। इस रूम के अंदर ये हमारी जो दे रखी है, ये हमारी ग्रे थीम में हमारा ये रूम बनाया हुआ है। आपकी वॉल के ऊपर बात करें तो लाइट स्काई ब्लू बोल सकते हैं, लाइट ग्रे बोल सकते हैं, ग्रे कलर का पेंट किया हुआ है। सीलिंग की बात करें तो प्रॉपर आपकी सीलिंग भी दे रखी है, क्या बोलते हैं, फॉल सीलिंग भी प्रॉपर दे रखी है। तो फॉल सीलिंग के अंदर आपकी लाइटिंग पार्ट को अच्छी तरह से डिज़ाइन करके, रहने की सिंपल आपकी फॉल सीलिंग बना दी। इसमें भी डिज़ाइनिंग पार्ट वी डिज़ाइन ने बड़ा अच्छा किया हुआ है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ टीवी पैनल यूनिट की तरफ। तो अच्छे खासे ग्रे और वाइट के कॉम्बिनेशन के अंदर आपका टीवी पैनल यहाँ पे बनाया हुआ है। सेकंड में बात करूँ हमारे वार्डरोब्स में, तो वार्डरोब्स को भी ग्रे कलर के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है। हर एक वार्डरोब के अंदर आपको बेडिंग के साथ इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक लाइट मिलने वाली है, कि जैसे ही आप ओपन करेंगे तो प्रॉपर लाइटिंग आपकी इसके अंदर जल जाएगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाथरूम की तरफ। सबसे सुंदर पार्ट इस वाले रूम का है आपका बाथरूम। प्रॉपर क्रीम टाइल को इस मल्टी 2x4 ग्रिप नेचुरल टाइल के साथ डिज़ाइन किया हुआ है। आइए मैं आपको जो ब्यूटी दिखाने वाला हूँ इसकी, वो ये है। क्या आप यहाँ पे ऊपर बता सकते हैं कि किस साइज़ की टाइल है?
नहीं ना, क्योंकि इसकी ब्यूटी ही यही है। अगर मैं इसको बंद करके बताऊं तो ये आपकी टाइल की जो डिज़ाइनिंग है वो कुछ इस तरीके से है। फ्लोर के ऊपर वही ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है, प्रॉपर यहाँ वैनिटी बनाई हुई है ब्रांड की, वही आपकी टैप्स यूज़ करी हुई है, निश बनाई हुई है जिसके अंदर एक छोटी सी कॉप लाइट भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ की मैं बात करूँ तो एक एग्जॉस्ट भी आपको मिल रहा है कि आपकी जो बालकनी है, आपका जो बाथरूम है सॉरी, उसके अंदर आपको स्मेल का इशू ना रहे। एग्जॉस्ट आपका है ही, ये प्रॉपर जाल बनाया हुआ है, तो इस जाल के साथ आपकी जो एयर है वो बाहर चली जाएगी। तो ये था हमारा बाथरूम का पार्ट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे फोर्थ रूम में। फोर्थ रूम को डिज़ाइन किया हुआ है क्रीम एंड वाइट की थीम के अंदर। जैसे हमारा लास्ट रूम था उसको हमने ग्रेइश में कहीं ना कहीं डिज़ाइन किया था, इस रूम को हमने डिज़ाइन किया हुआ है क्रीम में, क्रीम एंड वाइट में। जो हमारी वार्डरोब है, सबसे बड़ी वार्डरोब्स आपको इस रूम में मिलने वाली है। स्लाइडिंग आपको डोर्स मिलते हैं, प्रॉपर आपको एक शीशा लग जाएगा यहाँ पे, जो आपको एक मेकअप वाला भी आपका पार्ट कवर हो जाएगा। एक सेल्स मिलती हैं जहाँ पे आप अपनी ड्रेसिंग टेबल की तरह इसे यूज़ कर सकते हो। आओ मैं आपको लेके चलता हूँ इसके बाथरूम की तरफ। इस बाथरूम में सबसे प्यारा मुझे लगा ये वाला बाथरूम, क्योंकि प्रॉपर एंडलेस टाइल का यूज़ किया हुआ है। 2x4 की नॉर्मल टाइल नहीं, एंडलेस टाइल का यूज़ किया हुआ है। हर एक रेशा मिल रहा है हर एक टाइल से, जिसकी इसकी जो साइजिंग की ब्यूटी है कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। आपकी प्रॉपर सेम शाफ्ट के अंदर यह प्रॉपर मिल रहा है। वैनिटी, हर एक बाथरूम में वैनिटी की प्रॉपर डिजाइनिंग दी हुई है, ब्रांड की प्रॉपर टैप्स यूज़ करी हुई है। कंसील टैंक की बात करें तो हिंदवीर का कंसील टैंक के साथ आपकी टॉयलेट शीट को यूज़ किया हुआ है। हेल्थ पोस्टर कहीं ना कहीं दिया हुआ है। प्रॉपर आपके बाथरूम में भी आपको प्रॉपर आपकी फॉल सीलिंग मिलती है, प्रॉपर लाइटिंग मिलती है, प्रॉपर डिजाइनिंग मिलती है। तो जैन प्रॉपर्टीज़ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो मुझे यही लगा कि हर एक कोने में, हर एक जगह पे पैसों का प्रॉपर यूज़ किया हुआ है। हर एक जगह पे ये दिखाया गया है कि आपकी जो पार्ट के पैसे हैं, जैसे जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या फिर बिल्डर्स हैं, जनरली वो एंडलेस टाइल्स को यूज़ नहीं करते। आपकी जो फिटिंग्स है वो हल्की फिटिंग्स यूज़ करते हैं, या फिर आपके जो शाफ्ट्स है या फिर एग्जॉस्ट है वो कहीं ना कहीं देते। सीलिंग की बात करें तो आपका जो शावर है वो सीलिंग बिना देखे सीधा वॉल पे देते हैं। तो आपकी ये सारी चीज़ें इन्होंने हर एक पॉइंट पे वैसे ही डिज़ाइन करी हुई है, जैसे कि आप सोचते हैं कि आप अगर खुद बनवाएंगे घर तो वैसा ही आपको मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं जैन प्रॉपर्टीज़ का ये बड़ा प्लस पॉइंट है। तो बड़ा प्रॉपर स्पेशियस रूम, आपको प्रॉपर बाथरूम। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनकी बैक तरफ। इस यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया कहीं ना कहीं बनाया हुआ है, जाल बनाया हुआ है, ऊपर आपकी जाल को कवर किया हुआ है, ऊपर एक हाइट देके कि आपकी बारिश वारिश के अंदर ये पोर्शन गीला ना हो। ये वॉशिंग एरिया के अंदर अपन यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो बाथरूम्स हैं उसके अंदर प्रॉपर कहीं ना कहीं इसके अंदर एग्जॉस्ट की वेंटिलेशन का पार्ट दे रखा है। हर एक बाथरूम का साइज़ छोटा नहीं है, अच्छे खासे साइज़ के बाथरूम हैं, अच्छे खासे साइज़ के रूम्स हैं, अच्छे खासे साइज़ की क्वालिटी यूज़ करी हुई है। हर एक रूम के अंदर आपको फॉल सीलिंग देखने को मिलेगी। तो ये है हमारा आपका ड्राइंग रूम, जहाँ पे आप सोफों के साथ अच्छे खासे स्पेस के अंदर आप इसे डाइनिंग भी बना सकते हो, आप इसे ड्राइंग रूम भी बना सकते हो, अच्छे खासे साइज में इसको बनाया हुआ। तो ये था हमारा जैन प्रॉपर्टीज का एक बहुत सुंदर सा सेक्टर 19 में बनाया हुआ फोर्थ फ्लोर का फ्लैट। इसके अंदर सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों ही खाली है। अभी आपको छत भी दिखाऊंगा। तो आ गए हम आपके रूफ में, जहाँ पे फोर्थ फ्लोर के अंदर रूफ राइट मिलता है। फोर्थ फ्लोर कंप्लीट ब्लैंक है, प्रॉपर अच्छा खासा स्पेस आपको रूफ के अंदर मिलता है। तो 2,40,00,000 रुपए की फोर्थ फ्लोर की कहीं ना कहीं इन्होंने प्राइसिंग रखी हुई है जैन प्रॉपर्टीज़ ने, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप फील कर सकते हैं पूरी छत को, पूरे स्पेस को, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी एक ब्यूटीफुल सी आपको गार्डनिंग नज़र आने वाली है। पार्किंग प्रॉपर नीचे दे रखी है, पार्क आपको बगल में दे रखा है। सेक्टर 11 मेट्रो स्टेशन यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है। तो चाहिए क्या, पार्किंग चाहिए वो है, मेट्रो चाहिए वो है, पार्क चाहिए वो है, अच्छी बिल्डिंग चाहिए वो है, इंटीरियर चाहिए वो है। तो कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अब अपने फ्लोर पे। इसके अंदर मेरा जो रोल था वो आपको ये दिखाने का था कि टाइल्स की डिज़ाइनिंग, कि आपको ब्लैक कलर का जो आपका बाथरूम है वो कैसा लगेगा, एंडलेस स्टाइल की ब्यूटी किस तरीके से आपके बाथरूम की ब्यूटी को बढ़ा सकती है, तीसरा ग्रिप रिचुअल जो मोरक्कन टाइल्स हैं उसको यूज करके किस तरीके से हम अपने बाथरूम की डिजाइनिंग कर सकते हैं, चौथा
किचन के अंदर क्यों मोरक्कन टाइल्स को लगाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जो बीच की आपकी स्लैब की ऊपर वाली टाइल्स है वो किस तरीके से एक यूनिफॉर्म फॉर्म में लग सकती हैं। तो ये था हमारा मोटिव। सेकंड मोटिव था कि ग्रेनाइट को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं बाथरूम फ्लोरिंग में, स्टेयरकेस में, पार्किंग में और अपने एलिवेशन में, बालकनी को किस तरीके से हम अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं और क्यों इंटीरियर डिजाइनर्स को, आर्किटेक्ट्स को हमें हायर करना चाहिए, कहाँ पे इनकी वर्थ है। इस डिजाइनिंग पार्ट से हमें ये समझ में आता है कि इस तरीके से हम थोड़े से पैसे डिजाइनर्स को देके और बहुत सारे पैसे हम ब्यूटी, उसकी ब्यूटी में, उसकी मटेरियल की अच्छी सिलेक्शन और परफेक्ट सिलेक्शन के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको अपना घर या कोई चीज डिजाइन करनी है तो वी डिजाइन स्टूडियो का नंबर मैं आपको नीचे स्क्रीन पे दे दूंगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो जैन प्रॉपर्टीज के नंबर्स मैं आपको दे दूंगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।